आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और इस वक्त मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। खबर सामने आई है बलिया से। मनियर नगर पंचायत परशुराम नगरी, जहां घाघरा नदी का पानी का सैलाब खतरों के खेल में डूबा है, दूसरी तरफ कभी सूखा कभी बारिश, जनता प्रकृति की व्यवस्था में जीना बेहाल है। वर्षों से देखा जा रहा है बंदर का उत्पाद काफी बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है। बहुत प्रयास करने के बाद वन विभाग ने बंदरों की जाली की व्यवस्था की है। बंदरों का हुजूम इस छोटे उपकरण से बंदर के संगठनों को रोकना मुश्किल है। ऐसी व्यवस्था को देखकर मनियर गांव नगर पंचायत की जनता का कहना है कि जब तक इसका वैक्सीनेशन या प्रजनन रोकने की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक भीड़ और उत्पत्ति कम नहीं होने वाली है। हमारी विभागीय दुर्व्यवस्था बहुत ही दयनीय देखी गई। जनता इस उपकरण से काफी मायूस हो चुकी है। शासन प्रशासन की व्यवस्था या राजनीतिक मुद्दे जोरों शोरों से लोग उठाकर अपनी अपनी तकलीफ बता रहे हैं, अपनी अपनी डफली बजाने का काम करते हैं, लेकिन जनता का आंसू कोई पूछने वाला नहीं है, किसान का आंसू कोई पूछने वाला नहीं है। बंदरों का उत्पात ऐसा देखा गया जैसे बंदर पेड़ पर ना होकर घर में ही घुसे रहते हैं। इसको हम चाहते हैं कि अगर इन लोगों का वैक्सीनेशन करा दिया जाए। एक ग्रुप में 50 बंदरिया रहती है और दो चार बंदर रहते हैं, और उन बंदरों को अगर ट्रैंक्विलाइजर गन से वैक्सीनेशन करा दिया जाए तो हो सकता है कि ये प्रजनन इन लोगों का बंद हो जाए, और जब प्रजनन बंद हो जाएगा तो ये स्वतः दो चार वर्ष में ख़त्म हो जाएंगी, और इससे हम लोगों का कोई नुकसान भी नहीं होगा और कोई इन लोगों का मारने का हम लोगों के ऊपर लांछन भी नहीं लगेगा। यहाँ हम लोग इतना परेशान है कि यहाँ बंदरों के आतंक के चलते हम लोगों के यहाँ कोई भी पेड़ पौधा सुरक्षित नहीं है। हम लोगों के यहाँ बेटी बहन भी सुरक्षित नहीं है, बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। कब किसको काट लेंगे, क्या करेंगे, आए दिन रोज हम लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।